हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये हफ्ता बहुत 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 इंटरेस्टिंग रहा है। मैंने सोचा भाई थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी जाए। इस चैनल का काम ही ये है कि भाई आप लोगों के पास अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो आज इस वीडियो में भाई दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक तो भाई मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा, दूसरा भाई वर्क परमिट का क्या सीन है, भाई क्या है क्या नहीं है वो चीजें बताओ। इस वीडियो में हम एक वो चीज डिस्कस करेंगे, मजा आने वाला है भाई। क्योंकि भाई पता है जी आपको स्टडी पे तो चलो हम आ जाते हैं, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, अचीवमेंट कौन सी होती है, वो होती है जी वर्क परमिट लेना। दो साल की स्टडी लेके आते हैं तो तीन साल का वर्क परमिट होता है जी, एक साल की स्टडी करते हैं तो एक साल का ही वर्क परमिट होता है। क्लियर है भाई, यहां तक हमें सब लाइक सबको यहां सब यहां पे अग्री करेंगे, राइट, जहां तक ठीक है, ओके, कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो जी दूसरी बात आती है भाई ओपन वर्क परमिट। पहले तो जी देखो आप कहते हो भाई कि भाई फॉर एग्जांपल किसी ने आज ट्रांसक्रिप्ट्स आ गई हैं, सब कुछ हो गया, आज उन्होंने अप्लाई कर दिया वर्क परमिट के लिए, ठीक है जी। अब जो इमिग्रेशन वाले उन्होंने अपना भाई चेक किया, ठीक है जी, और सबमिट होगी आपकी एप्लीकेशन और आप भाई अप्लाइड स्टेटस पे आ गए, आप अप्लाइड स्टेटस पे आ गए। अब बात भाई सबसे बड़ी यही निकल के आती है कि क्या हम, यही क्वेश्चन होता है, क्या हम अप्लाइड स्टेटस पे कैडा में काम कर सकते हैं फुल टाइम या नहीं कर सकते हैं? क्या हम अप्लाइड स्टेटस पे फुल टाइम काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, काम कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, थोड़ा बताओ तो मैं आपको आंसर देना चाहूंगा। भाई जितना मर्जी काम करना है भाई, जितना भी काम करना है आपने, दबा के काम करो, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। अप्लाइड स्टेटस पे आप भाई काम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई, ठीक है जी। तो ये भाई ये तो चिंता छोड़ी दो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जी कह रहे हमारा जी वर्क परमिट का रिजल्ट नहीं आया, फिर हमें पीआर में कोई टेंशन ना हो जाए, पंगा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। मगर भाई क्या वेस्ट करते रहो अपना टाइम, जस्ट की वेस्टिंग अ टाइम, क्योंकि आप ऑफिशियली काम कर सकते हो तो भाई आप कर नहीं रहे हो, इट मींस यू आर वेस्टिंग योर टाइम। पता नहीं कैसे भाई कौन समझाता है या कहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया, अप्लाई स्टेटस पे आ गया जी, तो भाई चुपचाप आप काम करना स्टार्ट करो, तो दबा के काम करो, कोई चक्कर नहीं है, तब तक काम करो। देखो जी दो केस हैं इसमें, अगर तो अनफॉर्चुनेटली मान लो कोई किसी भी वजह से रिजेक्ट हो गया तब तो चलो फिर आपको काम रोकना ही पड़ेगा, बट मोस्टली भाई आपको ही पता है अप्रूव होगा, ठीक है जी, तो फिर तो आपने कंटिन्यू करना है, फिर आपने कंटिन्यू करना है, उसमें कोई चक्कर है नहीं, उसमें कोई चक्कर है नहीं। तो भाई ये सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी बात ये भी है भाई, जैसे मैंने आपको कहा सक्सेस स्टोरी, भाई मेरे ही किसी बहुत खास ने अप्लाई किया जी भाई, इस पे अप्लाई की बात एक और मैं बात करना चाहूंगा भाई, कुछ नहीं होता बिल्कुल, उन्होंने उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आप खुद जाके कैडा की वेबसाइट पे, इमिग्रेशन की वेबसाइट पे खुद अप्लाई करो भाई, आपको किसी कंसल्टेंट की कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी आपको 200, 300, 400 डॉलर जस्ट अप्लाई करने के देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सारी चीजें कर सकते हो, बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है यार, जो भी चीजें वहां पे वो पूछेंगे आपके पास, आई एम श्योर आपके पास सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, आप खुद ही अप्लाई करो, सेव योर मनी, ठीक है जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और उससे उसके बाद भाई मैं आपको ऑफिशियली टाइम पीरियड बताता हूं, अगर आप भाई कनाडा के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो, मैं भाई विद इन कनाडा, इन साइड कनाडा की बात करता हूं, चाहे स्टडी की बात करते हो या फिर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हो, तो जी उसका प्रोसेसिंग टाइम है भाई 92 डेज, ऑलमोस्ट 3 महीने, 92 डेज का प्रोसेसिंग टाइम है। लेकिन भाई रिसेंटली मेरे बहुत एक खास ने भाई अप्लाई किया, एंड यू विल बी शॉक्ड बाई विद इन टू वीक्स रिजल्ट आ गया, पॉजिटिव रिजल्ट, और खुद अप्लाई किया था पॉजिटिव रिजल्ट, देखो यार। तो जी भाई इसका मतलब ये है कि अगर हम खुद भी अप्लाई करते हैं तो भी भाई कोई चक्कर नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, हम सब चीजें खुद भी कर सकते हैं, पैसा बचाओ, ठीक है जी।
और जो वही पैसा है भाई, अगर अपनी स्किल्स पे लगाओ, ठीक है ना, बहुत जरूरी है वो चीजें। ऐसे भाई पैसा खराब करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आई होप भाई इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पहला, अप्लाई स्टेटस पे काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। भाई देखो, हम स्टूडेंट होते हैं ना, टेंशन तो देखो होती है। मैं भी भाई, क्यों, मैं इसलिए समझ सकता हूँ यार, मैं भी स्टूडेंट था उस टाइम पे, दिमाग में तो चीजें घूमती हैं यार कहीं ना कहीं। भाई पीआर में ये ना हो जाए, हमें कंट्री से ना बाहर निकाल दें, डिपोर्ट ना कर दें, ये ना भाई, होती हैं चीजें भाई, ठीक है ना। तो आई कैन अंडरस्टैंड, तभी मैं, ये बहुत सारे लोग कहेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं यार आप ऐसे क्यों, भाई जिस पे बीतरी होती है ना उस टाइम पे, उससे पूछ के देखो ये टॉपिक कितना अच्छा होगा, कितना इंपॉर्टेंट होगा, जब दिन रात यही दिमाग में आता है, ठीक है ना। उसके बाद कि भाई कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक रिजल्ट आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चीजें है ना। तो काफी चीजें होती हैं यार जो मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। एंड कभी कभी लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई टीआरपी, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, ठीक है जी, हमने कहा स्टडी कंप्लीट हो गए, वापिस इंडिया चले जाते हैं, वापिस चले तो जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि भाई आते हुए उनको, जैसे मान लो उनका पहले वाला वीजा एक्सपायर हो रखा है, जैसे स्टडी कंप्लीट हो गई, भाई टीआरवी भी तो अप्लाई करना है, टेम्पररी रेजिडेंट वीजा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वंस योर स्टडीज डन राइट, आपको भाई वर्क परमिट बेसिस पे आप टीआरवी अप्लाई करोगे। अब भाई पता नहीं लोगों के दिमाग में, उनको पता नहीं होता कि भाई वापिस आने के लिए, चले तो आप जाओगे, आपकी कंट्री है, कोई नहीं रोकेगा आपको, वापिस कैसे आओगे, उसके लिए आपको ठप्पा चाहिए होता है भाई, टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा चाहिए होता है। फिर आप वर्क परमिट दिखा के, वो वीजा दिखा के यहाँ पे कंट्री में एंटर हो जाते हो। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई अंडरस्टैंड करनी, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। एंड बाकी भाई और अपडेट्स के लिए लगे हुए हैं जी, बातें शातें करने लगे हुए हैं जी, चीजें ढूंढने, जैसी कोई और अपडेट आती है हम पहुंच जाएंगे आप लोगों के साथ बातें शातें करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही था भाई चैनल पे, दोबारा मिलते हैं भाई विद अनदर टॉपिक एंड डिस्कशन। टिल देन सी स्टे, का अपना ध्यान रखना। एंड बाकी भाई एक और अपडेट मैं आपको दे दूंगी कि 30 आवर्स पर वीक वाली कोई न्यूज ऐसी नहीं है। मुझे अभी भाई 2-3 मैसेज आ रखे हैं, 30 आवर्स पर वीक हो गए जी, 30 आवर्स पर वीक हो गए भाई, ऐसी कोई न्यूज नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब र्यूमर्स हैं, सब लोग भाई मजे लेने के चक्कर में हैं, आप इस ट्रैप पे मत फंसो। कोई अपडेट्स इमिग्रेशन की तरफ से नहीं है, ये मिनिस्टर साहब ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। तो बट हाँ, होना चाहिए था कि अभी तक कुछ ना कुछ अपडेट या अनाउंसमेंट उनको कर देनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेट नहीं कुछ हमारे पास आया है। तो इसका मतलब यह कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर आगे भाई सैटरडे संडे आ गया, और भाई 30, फिर आपका 26 होगी, 27-28, फिर तो भाई 2 दिन ही बचेंगे हमारे पास। स्टूडेंट्स को ये कब पता चलेगा कि भाई जो 30 अप्रैल तक की, जो इन्होंने भाई कहा था कि यहां तक आप जितना मर्जी काम करो कोई आपको रोकेगा नहीं, वो तो खत्म होने वाली है, उसके बाद क्या। तो आई होप कल भाई इस चीज पे अनाउंसमेंट हो जाए, स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए, क्लैरिटी आ जाए इस चीज पे, बट अभी तक अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई अपडेट हमारे पास है नहीं, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं भाई, हिम्मत रखो एंड विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो गाइज, तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई चक्कर, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो यार, naib_sangher के नाम से हूँ, वहां पे भी आप अपने क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, एंजॉय, अपना ध्यान रखना, बाय बाय बाय।